हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास HP प्रोडक्ट 600 G3 मिनी का मदरबोर्ड है। ये बंद है और इसे रिपेयर करना है, तो इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी जमा हुआ था, तो मैंने क्लीन किया है। तो अभी एक बार इसे पावर दे के देखते हैं इसमें क्या हुआ है। चालू नहीं हो रहा है, तो एक बार इसे पावर देकर देखते हैं। डीसी मशीन है, सेम सप्लाई देंगे इसको। यहाँ पर देखिए सप्लाई तो दे दिया, लाइट जल रहा है येलो और एम्पीयर इतना ही लिया है। चालू नहीं हो रहा, चालू करने पर भी यहाँ पे बटन दिया हुआ, बटन दबाने पे भी कुछ भी एम्पीयर नहीं ले रहा है। तो इसे एक बार हम देखेंगे क्या हुआ है इस मदरबोर्ड में। तो एक बार रैम भी निकाल देते हैं, सब निकालने के बाद एक बार दोबारा हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले बोर्ड में देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट तो नहीं है, कुछ ख़राब तो नहीं। ये सही है, सबसे पहले इस मॉस्फेट को देख लेते हैं। ये मॉस्फेट भी सही है, चेक किया हूँ दोनों साइड पर रख के, लेकिन यहाँ देखिए आउटपुट में शॉर्ट बता रहा है और इनपुट में शॉर्ट नहीं बता रहा है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे कुछ सप्लाई देके देखते हैं शॉर्टिंग हमारा किधर है, किस एरिया में, तो मालूम चल जाएगा मुझे। मैंने 3 बल्ब पे सेट कर लिया है और उसे यहाँ पर देंगे और शॉर्ट बता रहे हैं, किस एरिए में चेक करते हैं। पकड़ना पड़ेगा थोड़ा टाइम लगा के और चेक भी करना पड़ेगा, तो मैं चेक भी कर लेता हूँ इधर लगा के। इधर तो गर्म हो रहा है हल्का हल्का, यहाँ पे तो सही दिख रहा है। इस साइड देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा यहाँ पे खराब दिख रहा है, थोड़ा सड़ा हुआ। जल रहा है जैसे डालते उसमें फटाक से जल रहा है। ये देखो सड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये ख़राब है, इसे चेंज कर देंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। तो अभी हम इसे चेंज करेंगे,
ये है खड़ा हुआ पार्क, मैंने इस पार्ट को ऐड कर दिया है, जला हुआ ये पार्ट है यहाँ पे, ये शायद पहले से ही शायद ख़राब था और जब ये सप्लाई दिया तो इतना और जल गया तो ख़राब था, और ये सही है। अभी एक बार आपको दिखा देते हैं, ये और यहाँ पे ही शॉर्ट बता रहा था, अभी शॉर्ट नहीं बता रहा है, तो एक बार अभी थोड़ा सा इसे क्लीन कर देते हैं। एक बार चालू करके देख लेते हैं पावर लगा के। अभी यहाँ पे 2 एम्पीयर लेके थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ पे डाल दिया है और ये चालू भी हो गया है। तो इसे एक बार लगा के इसके डिस्प्ले एक बार चेक करवा देता हूँ HDMI पे। अभी मैंने चालू किया है इसको, चालू भी हुआ है और यहाँ पे डिस्प्ले भी आ गया है। बार 22 में जाके ये हमारा इसका 22 में CPU है, i5 7th generation का। अभी हमारा बोर्ड रिपेयर हो चुका है और डिस्प्ले भी प्रॉपर आ रहा है।